हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं न्यू जॉब डिटेल कि RSM SSB ने निकाली है एक और भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एक और भर्ती निकाली है जो कि है पशुधन सहायक की। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जो कि है 2070 पोस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इसकी फुल डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर की विज्ञापन संख्या 5/2018 का पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का ये नोटिफिकेशन है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले परीक्षा शुल्क की, कि इसमें जो परीक्षा शुल्क रखा गया है वो सामान्य वर्ग व क्रिमिलेयर श्रेणी के OBC और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपए है। राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपए है, और समस्त विशेष योगजन और राजस्थान के SC और ST आवेदक हेतु 250 रुपए रखा गया है। यह जो फीस है आप ई मित्र कियोस्क या फिर CSC के माध्यम से जमा कर सकते हैं। यदि आप स्वयं फॉर्म भरते हैं तो आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पशुधन सहायक में रिक्त पदों की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन TSP एरिया की। तो इसमें जो टोटल पद है वो है 1833, जिसमें जनरल कैटेगरी के जो हैं उसमें जनरल में जो है सामान्य में 640, सामान्य महिला के 183, विधवा के 73 और अन्य के 18 पद रखे गए हैं। ST जाति के लिए जो है वो 151 है, 43 महिला के लिए है, 17 विधवा के लिए है। SC कैटेगरी के लिए जो सामान्य पद है वो 202 है, सामान्य महिला के 58 और विधवा के 23 पद है। OBC के लिए 265 पद है, और उसके बाद सामान्य महिला के लिए 76, विधवा के लिए 30 पद इसमें रखे गए हैं। ये जो है आपका दंडवत आरक्षण है, मीन्स वर्टिकल रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, जो विशेष योगजन है उनके लिए 86 पोस्ट है, और विभागीय कर्मचारी जो है जो पहले से इसमें काम करते हैं उनके लिए 182 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 227 और उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 36 पद इसमें रखे गए हैं। ऐसे ही दोस्तों, TSP एरिया के लिए जो है वो टोटल जो पद निकाले गए हैं वो है 244, जिसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए सामान्य पद है वो 87 है, सामान्य महिला के लिए 25 और विधवा के लिए 9 पद है। ऐसे ही SC कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है, सामान्य महिला के 3 पद है। ST के लिए जो टोटल पद है वो 77 है, और सामान्य महिला के 22 और विधवा के 8 पद इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा जो विशेष योगजन है उनके लिए 13 पोस्ट है, विभागीय कर्मचारियों के लिए 24, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 और खिलाड़ी के लिए 4 पद इसमें जो है रिजर्व किए गए हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं वेतन मान की। तो पशुधन सहायक पद हेतु पे मैट्रिक्स जो है आपका लेवल 8 रहेगा, जिसमें आपकी जो वेतन मान है वो 26,300 से 85,500 निर्धारित किया गया है। इसमें जो आपकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक। इसमें क्या है, आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, या फिर आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी के साथ आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, या इसके समकक्ष आपको पास होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास 1 साल या 2 साल का लाइव स्टॉक असिस्टेंट का आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में काम करना आना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, और राजस्थान संस्कृति की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य योग्यताओं में स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में बताया गया है कि स्वास्थ्य जो है आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए। चरित्र में जब आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपने जो लास्ट जो एजुकेशन जहां से प्राप्त की है वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत करना होगा, और उसके साथ 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं आयु की। तो आपकी जो आयु रखी गई है इसमें वो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष रखी गई है, जो कि काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2019 को। और आपको कैटेगरी वाइज में छूट मिलती है, यदि आप सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 वर्ष की इसमें छूट मिलेगी। यदि आप SC ST OBC या स्पेशल बैकवर्ड क्लास SB के अगर कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी, और यदि आप SC ST OBC या SBC की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं पेंशन की। तो नई भर्ती या नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना इसमें लागू रहेगी। उसके बाद है विवाह पंजीकरण, कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको विवाह पंजीकरण सर्टिफिकेट है वो भी आपको शो करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, जो आपको जमा करानी होगी 12 अप्रैल 2018 से 11 मई 2018 के बीच में। इसके बाद क्या है, वो लिंक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो आपको मैं सलाह देता हूं कि आप अंतिम समय से पहले ही अपनी फीस और फॉर्म को सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है सर्वर डाउन इसका हमेशा रहता है, क्योंकि विभाग की वेबसाइट ही कुछ ऐसी है।
दोस्तों परीक्षा का माह और दिनांक जो है वो बताया गया है अगस्त 2018 में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, पर ये फिक्स नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी इसको कंप्लीट बताया नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि परीक्षा के दिनांक और स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि परीक्षा अगस्त में हो जाएगी, पर इनके नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त 2018 के अंदर हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके स्कीम और पाठ्यक्रम की। तो अभी इन्होंने कंप्लीट इसका पाठ्यक्रम और सिलेबस नहीं बताया है, उन्होंने कहा है कि अलग से बोर्ड की वेबसाइट जो है उस पर ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये जैसे ही इसका सिलेबस या एग्जाम स्कीम आती है वैसे ही हम आपको बता देंगे कि आप इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए A24 नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हैं www.youtube.com/A24knowledge YouTube चैनल पर। एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।